उनको बोली हूँ बेडशीट को थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए। वो कितना बार बोली हूँ, जाके तब कर रहे हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के सारे साथ हो गए हैं, बच्चे लोग तो स्कूल चले गए, और अभी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ क्योंकि आज तो बिल्कुल समय नहीं मिला मुझे ग्रीन टी पीने का, क्योंकि आज बहुत ज्यादा काम हो गए थे। बच्चे लोग का ड्रेस या किट्टू को उठाने में बहुत ये हो जाता है लेट, क्योंकि वो जल्दी उठती नहीं है वो, और ऊपर से उसे सर्दी भी थी तो उतने में उसे तकलीफ हो रही थी, तो इसके लिए कभी कभी लेट हो जाती है। अभी पानी भी भरो क्योंकि मुंबई का कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी पानी चले जाए यहाँ पे, तो फिर मैं बोतल से पानी भी भर रही थी, तो वही होता है कभी कभी, तो बहुत सारा काम होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से। अभी बज गए हैं 8:15 और हमारे शेख रेडी है। आज उनको बोली हूँ बेडशीट को थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए। वो कितना बार बोली हूँ, जाके तब कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हारा काम है ये सब, तुम्हारा काम है। हाँ देखो, फोल्ड करने में कितना समय लगाते हैं, देखे मैं तो फटफट करके रख दूं। सारे 10 और अभी सारा कुछ घर का काम हो चुका है, तो अभी मैं लंच बनाने जा रही हूँ। बच्चे लोग आने का पहले मैं लंच बना लूंगी। स्कूल से आ गई है लेकिन वेद नहीं आया है क्योंकि उसका फुटबॉल मैच है, तो अभी खेल रहा है वो, तो किट्टू को तब तक खाना दे देती हूँ। और किट्टू के पापा तो खाना पीना खा के चल गए ड्यूटी। पापा ने खीर भी नहीं खाया और दाल भी नहीं पिया ना, दाल पिया अभी। मुंबई में बहुत ज्यादा धूप की हुई है लेकिन ठिकाना नहीं इधर का, शाम होते तो शायद बारिश भी हो जाए, तो किट्टू को खाना दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। वेद अभी नहीं आया है क्योंकि उसका फुटबॉल मैच है, तो खेल के ही आएगा। तो देख सकते हैं लंच में क्या है आज, है रोटी और भिंडी की सब्जी है, पत्ता गोभी की सब्जी है, अब प्याज है, तो किट्टू को भी दे देती हूँ। ये पूरी है क्योंकि उसे पूरी खानी थी, तो दे देती हूँ किट्टू को। उठ जा उठ जा उठ जा, थक गई स्कूल से आकर, चल उठ जा उठ जा उठ जा। अभी शाम का 7 बज गए हैं और अभी मैं दिया भी दिखा चुकी हूँ मंदिर में। वेद सोया हुआ है क्योंकि थोड़ा लेट से आया था फुटबॉल खेल कर, तो सोया हुआ अभी तक वो। अब किट्टू तो पता नहीं क्या कर रही है, कुछ बनाते ही रहती है, कभी सितारा मोती क्या क्या बनाई है। ठीक है, बेकार बना दी। ठीक है बनाओ, फिर पढ़ने के लिए निकालो। कॉलोनी में लाइट नहीं है, पूरे अंधेरे छाए हुए हैं, हल्के हल्के हैं उधर, वो बिल्डिंग के अंदर बाहर पता नहीं क्यों लाइट नहीं दिया है। क्या किट्टू दूध पियोगी? नहीं पीना। भैया तो सोया, बहुत नींद में सोया है वो। चलो वो पर्दे लगाओ, पर्दे लगाओ, ऐसे लगाओ ना। टी पी लेती हूँ फिर डिनर बनाऊंगी। 8:30 हो गए, देखते हैं बच्चे लोग खाते हैं कि नहीं खाते। किट्टू का पढ़ाई भी हो चुका है, खाना है किट्टू? दलिया अपना और क्या, अचार भी रहेगा, दलिया अचार। वेद तुम अभी कान में लगाया, वो नहीं सुन रहा, वो कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा वॉकिंग के लिए भी जाना है। तो अभी किट्टू तो बोली खाना है लेकिन अभी बोली नहीं खाना है, तो भी मैं खा लेती हूँ। रेडी हो चुके हैं नाइट वॉकिंग के लिए, तो अभी वॉकिंग पे जा रहे हैं, और मेरी फ्रेंड है वो भी जा रही है, तो अभी हम लोग खाना पीना सबका डिनर हो गया है, अब वॉकिंग करने जा रहे हैं। चलो किट्टू। बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंद बूंद बारिश हो रही है, खेल लो अभी इसके ऊपर, हल्की हल्की बारिश हो रही है। किट्टू की फ्रेंड है श्रावणी। घर पे कब लोग मैं यही पीन करती हूँ, और हमारे दोनों बच्चा जल्दी सो गए हैं। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।